hello guys so today we will see the cell injury in which uh, reversible type of injury you know the definitions of reversible injury cell injury so ischemic or hypoxic injury in reversible part so the first point of attack of hypoxia is cells aerobic respiration इन विच डिक्रीज ए टी पी ए टी पी रिड्यूज़ होंगे अगर सेल इंजरी हुई तो हमने आगे कॉमन बायोकेमिकल चेंजेस देखे थे सेल इंजरी के एग्जाम्पल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन ऑफ ए टी पी डिक्रीज जैसा मैंने आगे बोला और स्टॉप एज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेल इज डिक्रीज ओ टू लेवल डिक्रीज होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरालेशन कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और उसकी वजह से ए टी पी प्रोड्यूस कम होंगे दिस डिप्लेशन ऑफ ए टी पी वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन मैनी सिस्टम विद इन द सेल ए बहुत सारे सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट है एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है वर्क करने के लिए सो so, अगर ए डिक्रीज होंगे तो सेल्स में काफ़ी सिस्टम अफेक्ट करेंगे नॉर्मल सेल हाई इंट्रा सेलुलर प्रेशर एग्जर्टेड बाई प्रोटीन्स जैसे कैल्शियम आउटसाइड द सेल टेन थाउजेंड टाइम्स हायर है वो किस वजह से है तो ऑसमोटिक्रेशर ज़्यादा है आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल बाय प्रोटीन की वजह से नॉर्मली आपको पता है पोटेशियम बाहर ज़्यादा होता है सोडियम इनसाइड ज़्यादा होता है वैसे ही कैल्शियम इन आउटसाइड ज़्यादा होता है और इनसाइड कम होता है प्रोटीन इनसाइड ज़्यादा होता है और आउटसाइड कम होता है वो बेसिक्स आपको पता है टू बैलेंस दिस सोडियम इज़ मेंटेन एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाई सोडियम पम्प मैकेज़म एंड पोटेशियम इज़ अल्सो कैप्ट एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल जैसे मैंने आगे बोला ओके okay? हाँ द डिक्रीज ए टी पी कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू एक्यूट हाइपोक्सिया डिस्टर्ब द सोडियम पम्प एंड रिजल्ट इन एक्ूमलेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल अगर ए टी पी डिक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वो एक्यूट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कंडीशन मीन्स डिक्रीज ओर टू रिजल्ट इन एक्ूमलेसन नॉर्मली इन आउटसाइड होता है सोडियम ज़्यादा लेकिन वो इनसाइड हो जाएगा इनफ्लक्स होगा उसका और जो पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है वो आउटसाइड जाएगा फ्लक्स होगा उसका तो इम्बेलेंस हुआ सोडियम एंड प्रोटीन इनसाइड द सेल इंक्रीज इंट्रा सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर सो वाटर एंटर इनसाइड द सेल नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए सेल मेंटेन रहता है अपने शेप में लेकिन ए डिक्रीज होगा ऑक्सीजन डिक्रीज होगा सेल इंजरी की वजह से सो so, सोडियम और प्रोटीन इनसाइड सेल आ जाएंगे और इंटरा सेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे इसलिए पानी अंदर एंटर होगा और एक्यू सेल्युलर स्वेलिंग करेगा पानी कोई भी चीज़ में एंटर होगा तो वो फूलेगी स्वेलिंग होगी ओके स्वेल होगी दिस इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ सेल इंजरी देन द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज एसोसिएशन विद अर्ली डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम द डिक्रीज इन सेल्यूलर ए टी पी लीड टू असोशिएट इंक्रीज सेल्युलर ए एम पी ए डिक्रीज होगा ए बढ़ बढ़ेगा कैसे ए टी पी इज इक्वल टू ए एम पी प्लस फॉस्फेट ए टी पी एडिनोसाइन ट्राईफॉसफेट एम पी एडिनोसाइन मोनोफॉसफेट एक फॉस्फेट कम होगा मतलब ए टी पी में से एम पी में कन्वर्ट होगा दिस स्टिम्यूलेशन द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड फॉस्फोराइलेज इंक्रीज द रेट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस टू मेनटेन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो नहीं रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम है डिक्रीज हो रहा है सो so, यहाँ पे एनारोबिक क्लाइकोलाइसिस होगा ऑक्सीजन है नहीं तो सेल एन, सेल इंजरी को मेंटेन सेल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजन में से ओके सो ग्लाइकोजन इज रैपिडली डिप्लीटेड दिस रिजल्ट इन एक्ूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आपको पता है आप ग्लाइकोलाइसिस आई गैस आपको पता होगा ट्वेल्थ स्टंडर्ड में एनोरबिक ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है तो उसमें लास्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो एक्यूमलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड इंट्रा सेलुलर पी एच इज रिड्यूस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा इंट्रा सेलुलर पी एच डिक्रीज होगी ओके रिड्यूस पी एच अर्ली क्लम्पिंग ऑफ तीन चीज़ें देखने को मिलेगी पी एच की वजह से क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन डिटेचमेंट ऑफ राइबोजोम फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिन एंड द थर्ड वन इज द डिसोशिएशन ऑफ पॉलिजोम्स इंटू मोनोजोम्स आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इफ हाइपोक्सिया कंटिन्यू इंक्रीज मेम्रेन परमिएबिलिटी एंड डिक्रीज माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन ब्लेब्स मे फॉम एट द सेल्स सरफेस ब्लेब्स भी फॉर्म होंगे माइल इंड फिगर्स मीन्स कॉन्सेंट्रेट लैमिनेशन डिराव फ्रॉम प्लाज्मा और ऑर्गेन मेम्रेन मे सीन इन साइटोप्लाज और एक्स्ट्रा सेल्युलरली एट दिस स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया यूजुअली स्वॉलन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डायलेटेड। सेल इज स्वॉलन एट दिस डिस्टर्बेंसेज आर रिवर्सिबल इफ ऑक्सीजन इज रिस्टोर बट इफ स्केमिया परसिस्ट मीन्स अगर रिकवर नहीं हुआ तो इ रिवर्सिबल इंजरी रिजल्ट मीन्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ओके सो अगर चार्ट में हमें कुछ मिलता है तो हम देख लेते हैं ओके सबसे पहले है इस्केमिक और हाइपोक्सिया डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया फिर ए डिक्रीज होगा उसकी वजह से तीन चीज़ें होगी डिक्रीज सोडियम पम्प डिक्रीज़ होगा इंक... सोडियम पम्प डिक्रीज होगा उसकी वजह से जो आउटसाइड कैल्शियम ज़्यादा है वो इनफ्लक्स होगा कैल्शियम का इनसाइड एंड पानी का और फ्लक्स जो पोटेशियम ज़्यादा अंदर की साइड है वो बाहर की साइड जाएगा इसीलिए पानी भी एंटर करेगा अंदर सेलूलर स्वेलिंग होगा उसकी वजह से तीन चीज़ें चार लॉस ऑफ माइक्रोविलाई ब्लैप फॉर्मेशन होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल होगा और माइलिन फिगर्स देखने को मिलेगी ओके और नीचे जो सिंपली जो हमने आगे डिस्कस किया था वही है देन सेकेंड वन इज़ इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन नहीं है इसलिए एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो डिक्रीज ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन यूज होगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा सो पी एस डिक्रीज होगी क्लंपिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोमेटीन जैसा हमने अभी आगे बात किया एंड थर्ड अदर डिफेक्ट तो डिक्रीज प्रोटीन सिंथिस और लिपिड पैरॉक्सीडेशन आई होप आप लोग ये रिवर्सिबल इंजरी तक समझ चुके हैं नेक्स्ट में हम इ इंजरी बात करेंगे थैंक यू